हेलो दोस्तों, आज हम एंड्रॉयड स्टूडियो की मदद से एक सिंपल ऐप बनाएंगे। इसमें हम दो एक्टिविटी क्रिएट करेंगे। पहली एक्टिविटी में हम एक बटन बनाएंगे जिसे क्लिक करके हम दूसरी एक्टिविटी में जाएंगे और दूसरी एक्टिविटी में बटन दबाकर हम पहली एक्टिविटी में वापस आ जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च हो गया है। यहाँ पर स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है, इस पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी को हम सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें एप्लीकेशन का नाम देना है। इसी के नीचे पैकेज नेम आ रहा है कॉम डॉट। इसके बाद हम अपना अपने हिसाब से पैकेज का नेम दे सकते हैं, फिर डॉट हमारे एप्लीकेशन का नाम और फिर सेव लोकेशन और लैंग्वेज हम चूज कर लेते हैं जावा और मिनिमम एपीआई। अब हमने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में कुछ फोल्डर नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे ऐप, लिब, रिसोर्सेस, जावा, मेन एक्टिविटी, क्योंकि हमने जावा लैंग्वेज चूज किया था। अब जैसा कि खुल चुका है, आप देख रहे होंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल जो कि डिजाइन है, मतलब हमारा ऐप कैसा दिखेगा उसके लिए है। और उसके बाजू में खुला है मेन डॉट एक्टिविटी डॉट जावा। बीच में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, जिसे हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पर टेक्स्ट व्यू सेलेक्ट करके हम उसे डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें एक बटन क्रिएट करना है। जैसे ही हमने डिलीट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो बटन भी डिलीट हो गया है। अब यहाँ पर पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी के अंदर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जो वेरिएबल होगा बटन। बटन क्रिएट करते समय हमें वो रेड दिखाई देगा क्योंकि उसकी क्लास को हमने इम्पोर्ट नहीं किया है। जैसे ही हम ऑल्ट एंटर दबाएंगे तो वो इम्पोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बटन इक्वल टू हम उसे इनिशियलाइज करेंगे। फाइंड व्यू बाय आई डी आर डॉट आई डी डॉट, हमने जो नाम दिया है बटन का, अभी तक तो हमने नाम नहीं दिया है, पर हम क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम बटन का एक नाम दे देंगे, बटन वन। अब यहाँ पर हम एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पर बटन हमने लिखा है तो उस आईडी को हम बटन वन कर देंगे। जो हमने बटन बनाया है अपने एक्टिविटी में, उस बटन का नाम हम पेज टू कर देते हैं। इसी के जस्ट नीचे हम कोड लिखते हैं, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ये एक फंक्शन खुल जाएगा ऑन क्लिक, यानी कि बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्या प्रोसेस होना है उसे हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो हमने एक एक्टिविटी टू नाम का भी एक फंक्शन बना दिया जिसके थ्रू हम जंप करेंगे। अब हम पब्लिक वाइट एक्टिविटी टू नाम का एक फंक्शन जिस जो हमने बनाया है उसे हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमें इंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इंटेंट स्पेस इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट दिस। दिस मतलब कि इस पेज से। फिर यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट सेमीकॉलन। यहाँ पे हमने नाम दिया है न्यू एक्टिविटी। अब हमें दूसरी एक्टिविटी क्रिएट करना है, जिसके लिए हम राइट क्लिक करके एक्टिविटी में जाके एम्प्टी एक्टिविटी को क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर देते हैं। प्रोग्राम में हमने उसे नाम जो दिया है वो न्यू एक्टिविटी ही है। आप देख रहे होंगे दो एक्टिविटी जावा के खुल गए हैं, जिसके अंदर हमें जावा का कोड लिखना है। यहाँ पर हम
एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन से कॉपी करके हम एक्टिविटी अंडरस्कोर न्यू डॉट एक्सएमएल में पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम उसे बटन 2 की आईडी दे देते हैं। यह हमारी दूसरी एक्टिविटी है। सेम एज दूसरी जगह भी हम वही बटन क्रिएट कर देते हैं। और बिल्कुल सेम प्रोसेस यहां भी करना है, बस यहां पे बटन 2 नाम देना है हमें। यहां पर एक्टिविटी में एरर दिखा रहा है, अब हमने उसका नाम 1 दे दिया। अब इस एक्टिविटी 1 को भी हमें डिफाइन करना होगा। अब हम यहां पे भी एक इंटेंट क्रिएट करेंगे। जैसे ही हमने क्रिएट किया तो एरर हट गया। यहाँ पे न्यू एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी कर देंगे। हमारा सारा काम हो चुका है, इसे रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ अपने ही फोन को एक मिरर किया है। अब जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हो कि मेरे मोबाइल में वो ऐप इंस्टॉल हो रहा है। हमारा ऐप लॉन्च हो गया, मैसेज भी आ गया इंस्टॉल सक्सेसफुली, और पेज 2 में जाने के लिए एक बटन दिख रहा है। अब जैसे हमने बटन को क्लिक किया तो दूसरी एक्टिविटी खुल गई। वहां पर हमने पेज 1 के लिए एक बटन बना दिया है। उस बटन को क्लिक करते ही हम पहली एक्टिविटी में वापस आ गए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।